गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना काल में होमगार्ड के जवानों के कार्य की सराहना की और कहा कि जवानों ने खतरा उठाकर इस संकट की घड़ी में लोगों की जान बचाई है। होमगार्ड के जवानों को कोरोना योद्धा का सम्मान दिया जाएगा और नियमित मानदेय देने का प्रस्ताव भी सरकार के सामने रखा गया है। SDRF हेडक्वार्टर में बहुउद्देशीय हॉल के शुभारंभ के अवसर पर पहुंचे स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने होमगार्ड के जवानों द्वारा कोरोना संकट काल में किए गए कार्यों की सराहना की और कहा, जब सब घरों में बंद थे तब होमगार्ड के जवान रात और दिन में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। कोरोना काल में होमगार्ड के जवानों ने बेहतर काम किया है। होमगार्ड जवानों को कोरोना योद्धा का सम्मान दिया जाएगा। होमगार्ड सैनिकों को नियमित मानदेय मिले, इसीलिए प्रस्ताव को शासन के सामने रखा गया है। इस दौरान कोरोना काल में कार्य करने वाले सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को भी सम्मानित किया गया है। लेकिन आप देखो कितना खतरा उठाकर हमारा जवान स्वयं की जान को खतरे में डालकर दूसरे की जान को बचाना, ये अपने आप में पुनीत का। वैसे नाम ही उनका होम गार्ड है। होम मतलब घर, गार्ड मतलब रक्षक, घर का रक्षक। और इस कोरोना काल में जिस तरह से होमगार्ड के सैनिकों ने सेवा की है, वास्तव में वो अनुकरणीय है, वो वंदनीय है, वो अभिनंदनीय है। जैसे जवान ने सीमा पे अपनी जान लगाकर देश की सीमाओं की रक्षा करता है, वैसे इस कोरोना काल में हम सब जब अपने कमरों में बंद थे, बिस्तरों पर सो रहे थे, उस वक्त हमारे होमगार्ड का जवान सड़क पर खड़ा था, हमारी पुलिस का जवान सड़क पर खड़ा था। वो दिन में भी खड़ा था, वो रात में भी खड़ा था, वो 24 घंटे आठों पैर खड़ा था। और इसलिए हौसला अफजाई के लिए हम सबको कृत संकल्प होना चाहिए और आपसे भी प्रार्थना है कि आप उस दिशा में बढ़ें। हमने कोरोना योद्धा सम्मान देने का तय किया था, उनका जो बाध्य कॉल ऑफ करने का था वो भी समाप्त कर दिया है और आज एक नई बात जो होमगार्ड सेनाओं के लिए नियमित मानदेय का भुगतान किए जाने का भी प्रस्ताव हम प्रस्तावित कर रहे हैं कि ये नियमित मानदेय इनको नहीं मिलता है तो वो नियमित मानदेय की भी हम आगे प्रस्तावित कर रहे हैं कि ये भी मिलने लगे। हमारी कोशिश है कि जवानों की हौसला अफजाई में जो जो भी और हो सकता होगा हम सने सने आपके माध्यम से उन तक पहुंचाते रहे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।